एक कहावत है कि मरता क्या ना करता, यानी कि जब इंसान की स्थितियां विपरीत रूप में चलती हो और वो चाहता है, मान लीजिए कि कोई लक्ष्य जो है हमने निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए हम सही रास्ते पे जा रहे होते हैं, बीच में स्थितियां डगमगाती हैं और कोई एक ऐसा राही मिल जाता है जिसका हाथ पकड़ के हम चलते हैं, लेकिन उस राही की भी महत्वाकांक्षा जो है कुछ और होती है। वो राही चाहता है कि हम इसके साथ बढ़ें और जबकि हम चाहते हैं कि हम राही के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते लक्ष्य के पास में करीब पहुंचते पहुंचते जो राही होता है उसका रास्ता बदलता है और वो बीच रास्ते में वो छोड़ के हमें चले जाता है। एक नदी आती है और नदी पर कहता है कि भाई हम उस पार नहीं जा सकते हैं, आपको अकेले जाना पड़ेगा या तो फिर हमारे साथ घुमा के चलिए अगर आपको लक्ष्य तक पहुँचना है, तो नहीं तो फिर इस नदी को पार कीजिए और खुद से ही जाइए। तो इंसान सोचता है कि नदी पार करेंगे, इस सच्चा इसी इंसान के साथ चलते हैं जो अलग अलग रास्तों से हमें लेकर चलेगा, लेकिन वो रास्ते बड़े भटकाव वाले रास्ते होते हैं। ये तमाम बातें और तमाम जो भूमिका बांधने की रीज़न सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना ही है कि बिहार के राजनीति में जो स्थितियाँ फिलहाल चल रही हैं, महागठबंधन की सरकार तो बनी है लेकिन महागठबंधन की सरकार भी कुछ इसी प्रकार है कि तेजस्वी यादव को जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का वो जो पद है उसकी लालसा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने शुरुआत तो इसकी की, नींव रखी विपक्षी एकता की बैठक की, लेकिन उनका पहला ही विपक्षी एकता का बैठक फ्लॉप हो गया। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए तमाम जो कवायदात था वो कर रहे थे, लेकिन कवायदात बीच में स्थिर हो जाता है, लालू प्रसाद यादव इंट्री होती है, कांग्रेस इसे हाईजैक करता है और हाईजैक करने के बाद जो स्थितियां बनती हैं वो विपरीत चली जाती हैं। तेजस्वी यादव का जो सपना कि भाई मुख्यमंत्री बनना है हमें और इसके लिए नीतीश कुमार जो है यानी कि जो चाचा कहते हैं उनका हाथ पकड़ के ही जिस रास्ते से हमको लेके चलेंगे हम उस रास्ते पे जाएंगे। पंचनामा कुछ दिन पहले हमारे संपादक नमन मिश्रा सर के द्वारा हमने किया था और उसमें इस बात की चर्चा हुई थी कि नीतीश के रास्ते तेजस्वी तो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस रास्ते पे जा रहे हैं अगर नीतीश कुमार डूब रहे हैं तेजस्वी बचा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार ही तेजस्वी यादव को डुबा दे। ऐसा जो बात था वो अब कहीं ना कहीं इस राज से पर्दा धीरे धीरे आज खुल गया। दरअसल आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह थी और इस जयंती समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहुँचे हुए थे, इधर बीजेपी अपने कार्यालय में बड़ी तैयारी कर रखी थी क्योंकि जनसंघ के नेता हैं और भाजपा इसको बड़े कोई भी अगर इवेंट करता है तो उसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान तरीके से करता है। नीतीश कुमार जाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण चढ़ाते हैं और पीछे पीछे तेजस्वी यादव भी जाते हैं। आप सबको याद होगा कि इस तरीके के तमाम जो जनसंघ के नेता हैं उसके धूर विरोधी आरजेडी कहीं ना कहीं रही है, कई बयानबाजियाँ इनकी चलती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का पहुँचना सबको आश्चर्यचकित कर देता है कि भाई चाचा के साथ साथ भतीजा भी पीछे पीछे जा रहा है जनसंघ के नेता के जयंती समारोह। पत्रकार जब सवाल पूछते हैं कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी क्या ज़रूरत है, तो तेजस्वी यादव की बोलती ही बंद हो जाती है, तेजस्वी कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो क्या जो हमारे संपादक इस बात को कह रहे थे कि भाई नीतीश को बचाते बचाते कहीं ऐसी ना हो कि आपकी ही नैया डूब जाए, तो तेजस्वी यादव की नैया क्या डूब रही है? तेजस्वी अगर अभी तक नहीं संभल पाए तो फिर आगे क्या करेंगे? जैसा कि चर्चाएं ये होती हैं कि बाबा भी लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि तेजस्वी चाहते हैं कि भाई 2024 तक किसी भी तरह चाहे कुछ भी हो हम इस सरकार को बचा कर रखें ताकि 25 में जो तैयारियां हैं वो अपने स्तर पर हम करें, लेकिन क्या ये सही रास्ते पर तेजस्वी यादव जा रहे हैं? हमने कल भी एक चर्चा किया था, उसमें ये भी बाबा ने बताया था कि भाई तेजस्वी यादव जिस प्रमुखता के साथ 2020 के चुनाव में खुद के दम पर इतनी बड़ी एक वोट जो थी वो उन्होंने एकत्रित किया, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ तेजस्वी के मन में कि चाचा का हाथ पकड़ना पड़ा? तो तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा सीएम बनने की क्या फेल हो जाएगी, क्या उनके नैया डूबेगी? चूँकि जिस जनसंघ के नेता के जयंती समारोह में तेजस्वी यादव पहुँचते हैं तो आरजेडी के कई लोगों ने विरोध भी किया, हम उनके इनकी बात नहीं कर रहे लेकिन जनसंघ के नेता के विरोध तो हमेशा आरजेडी करती ही रहती है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भाई देखिए हम किसी के जयंती का तो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तेजस्वी इस तरीके के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो
तो इसलिए हमने शुरू में कहा कि मरता क्या ना करता, यानी कि तेजस्वी यादव को किसी भी तरह 2024 के चुनाव तक नीतीश कुमार को साथ लेके चलना है, चाहे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लगातार इस बात को कहते रहें कि सब कुछ फाइनल है, लेकिन नीतीश कुमार और जदयू कह रही है कि ना हम ऐसे नहीं मानेंगे, पूरा हमको लिख के दीजिए, फाइनल जो एग्रीमेंट है वो बना के दीजिए कि हम इतना सीट देंगे, तभी जाके मामला कुछ आगे बढ़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।